हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद आनंद। टुडे आई एम बैक विद वन ऑफ माय न्यू प्रोजेक्ट। एक्चुअली आई हैव क्रिएटेड दिस कार रेंटल प्रोजेक्ट इन मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, बट इन दिस PHP वर्जन आई हैव एडेड फ्यू मोर थिंग्स इनसाइड द प्रोजेक्ट। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू माय दिस कार रेंटल प्रोजेक्ट। सो ये PHP में डेवलप्ड है और डेटाबेस MySQL XAMPP की रिक्वायरमेंट है। देर इज़ नो इश्यूज, जस्ट क्रिएट द डेटाबेस, इम्पोर्ट इट एंड देन जस्ट रन कॉपी एंड पेस्ट इनटू HT docs एंड यू विल बी एबल टू रन दिस प्रोजेक्ट। नॉट सो मच बिग टास्क टू रन दिस प्रोजेक्ट। सो ये हमारा होम पेज है, यहाँ हमारे कार्स अवेलेबल हैं, अबाउट अस पेज है और यहाँ कॉन्टेक्ट अस पेज है और ये हमारा रजिस्ट्रेशन पेज है, ये हमारा लॉगिन पेज है। सो लेट्स गो विद लॉगिन। सो यहाँ पर हम जैसे ही लॉगिन में जाते हैं ये हमारे पास डैशबोर्ड नज़र आता है। इस बार मैंने एक न्यू इसमें फीचर ऐड किया है ड्राइवर्स का। ओके, सो दिस इज़ द ड्राइवर सेक्शन। कैटेगरीज हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। यहाँ पर लेट्स सपोज मैं कोई कैटेगरी डिफाइन करता हूँ, लेट्स से हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं कार कैटेगरीज ये काफ़ी सारी होती हैं, कन्वर्टेबल क्रॉसओवर के नाम से भी होती है। हम इस क्रॉसओवर को क्रिएट कर लेते हैं। सो लेट्स सी क्रॉस ओवर, मेरे ख्याल से स्पेस नहीं था, नहीं स्पेस नहीं था तो हम लोग भी नहीं लेंगे यहाँ पर स्पेस। क्रॉसओवर का डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, ये हमारा छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन हम यहाँ से उठा लेते हैं। ओके, यहाँ से हमने कॉपी किया एंड देन इसे कर लेते हैं। दूसरा हम इस बाइक को देख लेते हैं, ये कौन सी कार है, ये होती है हमारी क्रॉसओवर कार। ओके, सो ओके, क्रॉसओवर्स आर अ टिपिकल फ्यूजन ऑफ द हैचबैक। ओके, ये तो वीडियो शुरू हुई थी। सो कोई नहीं, हम यहीं पर इसी को ही डाउनलोड कर लेते हैं और ये हमारे पास है, मैं इसे सेव इमेज कर लेता हूँ। सेव इमेज एज किया था। ओके, तो यहाँ पर हमने कहा क्रॉसओवर और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पर मैंने सेव की है, ब्राउज कर लेते हैं इसे डेस्कटॉप पर जाकर के। ये रही क्रॉसओवर एंड देन सेव डिग्री फाइन। सो हमारे पास क्रॉसओवर आ चुकी है। अब बात कर लेते हैं इसके वेरिएंट्स को हम लोग ऐड करने के लिए। ऐड वेरिएंट्स में जाते हैं, ऑलमोस्ट सेम वैसा ही है जैसा हमने पहले क्रिएट किया था। यहाँ पर मैं कार डिटेल्स में चला जाता हूँ तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कौन कौन सी कार एक्चुअली में अवेलेबल होती है इसमें। ठीक है, ये फोर्ड वाली है, इसे ही डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्ड एस्केप के नाम से है, इसी को कॉल लेते हैं फोर्ड एस्केप। ओके, एंड कैटेगरी में हमने ले लिया इसे क्रॉसओवर। फ्यूल टाइप लेट्स सपोज पेट्रोल ले लेते हैं। प्राइस ले लेते हैं 3500 पर डे और सीट कैपेसिटी हमने दे दिया 5। फ़ोटो चूज़ करना है तो फ़ोटो हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, सेव इमेजेस। और मैंने यहाँ कहा फोर्ड, वैसे सही नाम आ रहा है तो ये हमने ले लिया। और अब मैं चाहता हूँ इस पर और मैंने इस फोर्ड को चूज़ कर लिया। एंड देन एयर कंडीशन है, पावर डॉक्स, ईयरिंग, एयर बैग, GPS सिस्टम, सेंटर लॉक, CD प्लेयर नहीं दे रहे हमें। तो ये हमने यहाँ पर अपनी फोर्ड एस्केप क्रिएट कर ली। सो इस तरह से हमारे पास ये हो गया। आप कभी भी इसे एडिट भी कर सकते हैं, अगर आप कहते हैं कि नहीं CD प्लेयर भी है इसमें, CD प्लेयर भी मिल जाएगा। ओके, सो तो ये हमारे पास हो गई, हमारे पास कार वेरिएंट्स हो गया। अब हमें मान लीजिए इस कार के अंदर अपने नंबर वाली जो एक्चुअल कार होती है उसको और देख लेते हैं। तो लेट्स सपोज हमने ले लिया ABC 1 2 3 4 5। हम लोग यहाँ पर रियल नंबर कोई नहीं डाल सकते क्योंकि कई बार नंबर मैच कर जाता है तो लोग कहते हैं कि हमने उनका नंबर पब्लिक कर दिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये ABC कार नंबर ले लिया है। तो ये हमारे पास फोर्ड हो गई जो हमारे पास अवेलेबल है। एक और मैं कार ले लेता हूँ, HR, या हम यहाँ पर ले लेते हैं UK 1, XX 1234। ओके, देन सेव। ओके, मॉडल नंबर 2023, दैट्स इट।
तो ये हमने यहाँ पर कार्स कुछ अवेलेबल कर ली हैं, तो जब मैं फोर्ड की यहाँ पर बुकिंग करूँगा तो मेरे पास दो ऑप्शन नज़र आएंगे, ठीक है। चलिए दूसरा है ड्राइवर, आप यहाँ ड्राइवर ऐड कर सकते हैं, ये मैंने अजीब अजीब से नाम ले लिए हैं। मैं एक और यहाँ पर ड्राइवर ऐड कर लेता हूँ, ड्राइवर नंबर वन, और ये हमने जेंडर ले लिया, मैरिटल स्टेटस ले लिया, एड्रेस इसका कुछ भी ले लेते हैं, फ़ोन नंबर इसका कुछ भी ले लेते हैं, और आधार नंबर इसका कुछ भी ले लेते हैं, और डेट नंबर 1999, और लाइसेंस नंबर DL12345, और एक्सपीरियंस हम ले लेते हैं लेट्स सपोज 5 ईयर्स, पासवर्ड हम इसका क्रिएट कर लेते हैं ताकि लॉग इन कर सके, फ़ोटो हम ले लेते हैं इसका कोई अगर हमारे पास ठीक ठाक सा मिल जाता है तो। मुझे लगता है कि मुझे ना ऐसा भी करना चाहिए था कि नहीं, ये ठीक लग रहा है, ये थोड़ा सा बढ़िया ड्राइवर है। ओके सो यहाँ पर सेव कर लेते हैं। ओह माय गॉड, एक्चुअली हम यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक किए हुए हैं कि हमने यहाँ पर सेव कार लिखा हुआ है। एड ड्राइवर्स डॉट पी एच पी फाइल पर चले जाते हैं, बहुत सिंपल सा काम है हमारा। हमारा चल रहा है कार रेंटल एंड तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ एड ड्राइवर, और इसमें हम सर्च कर लेते हैं कि हमने कहीं कार लिख रखा है, तो हम स्टिक कर लेते हैं, वेरी सिंपल। तो जब हमें कोई चीज़ गलती दिख जाती है वीडियो में भी तो हम साथ साथ इसे ठीक कर लेते हैं। तो ड्राइवर हमारे पास आ चुके हैं, और अब मैं लीव रिक्वेस्ट की बात करूँ तो किसी ने अगर लीव अप्लाई की है तो ये ड्राइवर का पोर्टल हमने इसीलिए डाला है कि आप लीव असाइन कर सकें, लीव पर अगर भाई अगर कोई ड्राइवर जाना चाहता है तो उसको अप्रूव करवा सकता है, सो दैट कि हमें पता रहे कौन सा ड्राइवर लीव पर है। कस्टमर्स के रजिस्ट्रेशन यहाँ पर है, बुकिंग्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, फीडबैक्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, रिपोर्ट यहाँ पर है, जैसा हमारे सामने पहले भी हम दिखा चुके हैं। सो लेट्स लॉग आउट एंड रजिस्टर ए न्यू कस्टमर। तो मैंने यहाँ पर कस्टमर का नाम दे दिया कस्टमर एक्स, और इसका ईमेल आईडी दे दिया customer1@gmail.com, पासवर्ड ले लेते हैं, पासवर्ड ले लेते हैं, मोबाइल नंबर कुछ भी दे देते हैं, जेंडर कुछ भी दे देते हैं, एड्रेस में कुछ भी दे देते हैं, एंड देन रजिस्टर। सो रजिस्टर हमारा हो चुका है customer1@gmail.com, हमारा ईमेल आईडी ही हमारा पासवर्ड होगा, ठीक है। तो हम कस्टमर में लॉगिन कर चुके हैं, नाउ वी कैन सी, वेरी नाइस। अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ पेट्रोल डीजल में कोई है ही नहीं, पेट्रोल की सारी गाड़ियाँ हैं, और अगर मैं क्रॉस ओवर की बात करूँ, वेरी नाइस। सो लेट्स सी, तो यहाँ पर हमारे पास ये दिखाई दे रहा है कि ये 5 सीटर है, 3500 के रेंज में है, तो मैं यहाँ पर आकर करता हूँ इससे बुकिंग 12 से लेकर मैंने कर दिया इसे 14 तक, ठीक है। तो अपने आप इसने कैलकुलेशन कर लिया है। पिकअप लोकेशन लेट्स सपोज ले लेते हैं नोएडा, और मैसेज डाल देते हैं टेस्ट ड्राइव, और बुकिंग अमाउंट ले लेते हैं 5000 रुपये, और ड्राइवर आप यहाँ देख सकते हैं ड्राइवर्स की रेटिंग्स का भी फंडा है। मैं लेट्स सपोज इसी ड्राइवर को ले लेता हूँ, एनी ड्राइवर में क्या होगा, ड्राइवर हमें अंदर से प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमने ड्राइवर नंबर वन ले लिया, और मैं इसको कुछ भी कार डिटेल डाल करके ले लेता हूँ, एक्सपायरी डेट एंड देन से। तो मेरे यहाँ पर बुकिंग हो चुकी है कस्टमर एक्स की, और मैं चाहूँ तो इसे कैंसिल भी कर सकता हूँ, अभी मैं करूँगा नहीं। तो यहाँ पर आकर के हम क्या कर लेते हैं, अब लॉगिन करते हैं एडमिन से, एडमिन से लॉगिन करेंगे। ड्राइवर्स में 3 दिख रहा है, न्यू बुकिंग यहाँ पर दिख रही है हमें, और न्यू बुकिंग में हम आ गए यहाँ पर डिटेल्स में, और यहाँ देखेंगे हम लोग ड्राइवर, हमें ड्राइवर यहाँ ऑटो सेलेक्टेड दिखना चाहिए था वैसे, यहाँ पर ड्राइवर का सिस्टम है। ड्राइवर नंबर वन को ले लेता हूँ मैं, कंफर्म बुकिंग कर दें, ये एक छोटा सा हम लोग इसको देखेंगे कि इसमें हमारा ऑटो सेलेक्ट आया करे, वो देख लेते हैं। तो ये हमने कंफर्म कर दिया है, कंफर्म करने के बाद क्या होता है, कंफर्म करने के बाद लॉगआउट कर लेते हैं। लॉगआउट करने के बाद यहाँ पर आकर के हम वापस से कस्टमर में चले जाते हैं, पासवर्ड देते हैं, दैट्स इट, एंड फिर मैं जाता हूँ बुकिंग्स में, और मैं डिटेल्स में चला जाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास हमारे ड्राइवर की पूरी डिटेल आ रही है, और कार की डिटेल आ रही है, ठीक है। इस साइड में सारी ड्राइवर की डिटेल आ रही है, और मैंने यहाँ पर जर्नी स्टेटस कहा भाई कार अराइव, आ गई हमारी कार, और फिर मैंने कहा ऑन टाइम, कुछ भी आप देना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, मैंने सेव कर दिया। इस पर हम तब क्लिक करेंगे जब हमारा
कंप्लीट करना होगा। ओके एवरीथिंग इज फाइन डन सेव, यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। अब मान लीजिए मैं जर्नी को फिनिश करना चाहता हूँ, तो मैं जर्नी फिनिश कर देता हूँ, वी रीच्ड आवर होम, और जर्नी कंप्लीट पर चेक किया एंड दैट्स इट। जैसे आप जर्नी कंप्लीट पर क्लिक करते हैं फिर ये पेमेंट की तरफ चला जाता है कि आपका इतना बैलेंस है। कार्ड नंबर बहुत सारे मैंने डाल रखे हैं यहाँ पर, नेम ऑन कार्ड में मैं वापस चूज़ कर लेता हूँ, कार एंड ड्राइवर वॉज रिच। ओके सो बुकिंग का रेटिंग हमने दे दिया लेट्स सपोज 4, कार का ड्राइवर का दे दिया हमने 5, लेट्स सी मेक पेमेंट। तो अब यहाँ पर हमारा हो चुका है और आप यहाँ देख सकते हैं कि अब हमारा सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। ठीक है ओके, यहाँ पर 2 बार एंट्री क्यों दिख रही है, लेट्स सी। हमारा ये डेटाबेस है, इस डेटाबेस के बारे में भी हम देख लेते हैं कि हमारा एक डीबी कॉन के नाम से फाइल है, कार रेंटल डीबी के नाम से डेटाबेस है, कार रेंटल डीबी। और देख लेते हैं इसमें हम बात कर लेते हैं कि पेमेंट में हमारे पास 2 एंट्री चली गई क्या भाई, 2 एंट्री चली गई, इसका मतलब हमारे से कोई गड़बड़ हुई है। गड़बड़ कहाँ हुई है ये देख लेते हैं जब हम इसका फीडबैक फिल करते हैं। तो हम लोग कुछ करते हैं, यहाँ बुकिंग डिटेल्स की होगी, यही है वो जिसमें हम कर रहे थे, और जर्नी टाइमलाइन ये सब कर दिया हमने। इसके बाद भी हम आगे जाते हैं, पेमेंट 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 मेक पेमेंट, मेक पेमेंट में हमारे पास ये है वो, सेव पेमेंट को देख लेते हैं, इसमें डबल एंट्री तो नहीं है। सेव पेमेंट में हमने क्या कर रखा है, पेमेंट में सेव कराया, फीडबैक में सेव कराया, 2 बार तो नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है, दिस वॉज मिस्टेक, मैंने 2 बार यहाँ एग्जीक्यूट कमांड डाल रखी है। ओके नाउ नेक्स्ट टाइम इट विल नॉट हैपन। ओके सो द इशू हैज बीन रिजॉल्व्ड। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कि हमारे पास यहाँ पर लॉग आउट कर लेते हैं। लॉग इन करने के बाद मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ड्राइवर 2, ये एक्चुअली में ड्राइवर 3 हो गया और मैंने इससे लॉग इन कर लिया ड्राइवर नंबर 1, और यहाँ आपको बुकिंग दिख रही है कि उसकी कौन सी बुकिंग थी, और वो सारा देख सकता है, उसकी डिटेल वो भी देख सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे कौन सी बुकिंग दी गई थी, क्या है क्या नहीं है उसका स्टेटस। और मैं लीव्स की बात कर रहा था कि मान लीजिए वो बंदा लीव पर जाना चाहता है, तो मैंने कहा वो 20 तारीख को लीव पर जाना चाहता है, 20 और 21 को फैमिली ट्रिप वो करना चाहता है, तो अप्लाई लीव किया, तो यहाँ पर लीव पेंडिंग में चली गई। और उसके बाद हम लॉगिन कर लेते हैं और ये हमारे लीव्स रिक्वेस्ट में जाएंगे और इसे अप्रूव कर देंगे, तो ये अप्रूव हो जाएगी। ठीक है तो इस तरह से हमारा ये, मैंने एक ड्राइवर का एक्स्ट्रा मॉड्यूल डाल दिया है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कमाल की, वो जो ड्राइवर की रेटिंग हमने दी थी अब वो अपडेट हो गई है। कैसे, लेट सपोज मैं कस्टमर एक्स कस्टमर 1 से दोबारा लॉगिन करता हूँ, पहले वो NA आ रही थी ना, तो हम जाते हैं कार में और लेट सपोज मैं कोई कार लेता हूँ और मैं उसी ड्राइवर को देखूँ कि यहाँ 5-स्टार रेटिंग है उसकी, सो दिस इज़ द वे। तो ये हमारा पूरा रेटिंग वगैरह से रिलेटेड था, तो मतलब पूरी फंक्शनैलिटी इसके अंदर है। ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा, यू कैन टैग टू मी, और अगर आप लोगों का कोई सजेशन है यू कैन सजेस्ट मी ऑन माई कमेंट्स, और मैं आपको उन बहुत अच्छे अच्छे न्यू प्रोजेक्ट्स के साथ दोबारा से फिर से कैच करूँगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है तो। मैं फिर नए प्रोजेक्ट के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।